हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा के बारे में बात करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति फिर से मुकदमा दायर कर सकता है या क्या दायर नहीं जवाब कर देता सकता। है और किन इस मामलों वीडियो में में हम नहीं। बात करेंगे रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल की। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके प्रोविजन आपको लगभग सारे कानूनों में मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर हम सीपीसी के ऊपर पॉइंटेड रहेंगे। इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से सारी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद आप रेस जुडिकेटा का कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो। अब कॉन्सेप्ट और ओरिजिन, सबसे पहले रेस जुडिकेटा कहां से आया और इसका ओरिजिन क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट था रेस जुडिकेटा का, वो एक इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम से डिवॉल्व हुआ है। इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम से रेस जुडिकेटा की अवधारणा विकसित हुई है। यदि किसी मामले में दोनों पक्ष यानी दोनों पार्टीज समान मुद्दे यानी कि सेम मुद्दे और उनके निर्णय जो अदालत द्वारा आ चुके हैं उसके लिए वो वापस दरवाजा खटखटाते हैं, तो मुकदमा न्याय सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, जिस सिद्धांत का नाम है रेस जुडिकेटा, उसके द्वारा मारा जाएगा, यानी उस पर रेस जुडिकेटा लागू होगा। तो आप वापस मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स नहीं हो सकते। उसको प्रिवेंट करने के लिए रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल बनाया हुआ है। अब रेस जुडिकेटा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी लागू होता है, यानी प्रशासनिक कानून में, कानूनों में भी अलग अलग भूमिका निभाता है। और ये प्रशासन को ये बताता है, ये बताने में मदद करता है कि न्यायपालिका कितनी कुशलता यानी एफिशिएंसी से काम करती है और मामले का निपटारा किस तरीके से करती है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स नहीं होने चाहिए, स्टेट ले जाता है। एक बार एक अदालत ने एक सिविल मुकदमे में फैसला सुना दिया, इसे किसी भी अन्य अदालत द्वारा नहीं बदला जा सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जब तक कि कोई स्पेसिफिक बहुत ही अन्याय नहीं हो गया हो जिसके लिए हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं। अब बात करते हैं रेस जुडिकेटा के एक्चुअल मीनिंग की, कि रेस जुडिकेटा है क्या। मीनिंग ऑफ रेस जुडिकेटा के बारे में बात करते हैं। रेस जुडिकेटा का अर्थ है विषय वस्तु, और न्यायिकता का अर्थ है स्थगित करना या निर्णय लेना, और साथ में इसका अर्थ मिलता है एक मामला जो कि स्थगित हो चुका है यानी जिस पर निर्णय ले लिया गया है। रेस्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और जुडिकेटा का मतलब होता है एडजज्ड या फिर डिसाइड कर दिया गया, और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब मिलता है अ मैटर विच इज एडजज्ड, यानी एक ऐसा मैटर जो ऑलरेडी कोर्ट द्वारा एडजज्ड हो चुका है। तो आसानी से सरल शब्दों में बताऊं तो अदालत के समक्ष यानी सामने एक मुद्दा पहले से ही किसी अन्य अदालत और सेम पक्षों सेम पार्टीज के बीच में उसका निर्णय हो गया है, इसलिए अदालत मामले को खारिज कर देगी। क्यों? क्योंकि यह किसी अन्य अदालत द्वारा तय किया गया है। तो ये रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है। सिविल और आपराधिक दोनों कानून प्रणालियों में यानी सिविल और क्रिमिनल में ये लागू होता है। जैसे वहां पे सेक्शन 300 आप देखेंगे सीआरपीसी में, सेक्शन 40 भी इंडियन एविडेंस एक्ट का इसी बारे में कुछ हद तक बात करता है, और यहाँ पे सेक्शन 11। अब कोई भी सूट जो पूर्व सूट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिसाइड हो गया है, उसका डिसीजन आ गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यही डिस्टिंग्विश करेगा रेस सब जुडाइस से, जिससे हम बाद में बात करेंगे। और डिसीजन आ चुका है उसके बारे में वापस सूट नहीं लाया जा सकता। रेस जुडिकेटा का एग्जाम्पल समझिए। ए स्यू बी, ए बी को स्यू करता है क्योंकि उसने रेंट नहीं दिया। ए बी को स्यू करता है क्योंकि उसने रेंट नहीं दिया। बी प्लीड करता है कि रेंट नहीं दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड एज द एरिया ऑफ द लैंड वॉज लेस देन मेंशन ऑन द लीज, यानी कि वो बताता है कि इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसका जो एरिया था वो जैसा लीज एग्रीमेंट में दिया हुआ था उससे कम है। अब कोर्ट ने ये माना कि एरिया जो था वो बड़ा था, ग्रेटर था, जो कि लीज में बताया गया है उसके उससे ज्यादा बड़ा था, द एरिया वॉज एक्सेस, इसीलिए रेस जुडिकेटा यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि बातें सेम होनी चाहिए पर यहाँ पे तथ्य डिफरेंट है। ठीक है, वापस समझिए, द एरिया वॉज एक्सेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल नॉट बी अप्लाइड। समझ लीजिए बात को। अच्छा, इन अ केस अ न्यू लॉ सूट वॉज फाइल्ड इन विच द डिफेंडेंट्स रिक्वेस्टेड दैट द कोर्ट डिसमिस द लॉ सूट विद द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल के लिए प्ली किया और कोर्ट को अप्रोच किया। वो जो थी महिला बार कर दी गई नया क्लेम लाने से रेस जुडिकेटा के लिए, बिकॉज हर प्रीवियस क्लेम वॉज डिसमिस्ड फॉर फ्रॉड। तो द कोर्ट सेड, कोर्ट ने ये बोला कि डिफेंस ऑफ रेस जुडिकेटा मस्ट बी प्रूव बाय एविडेंस। अब ये लागू होगा जब आप इसके साक्ष्य का सबूत देंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा के मूलतः प्रिंसिपल क्या है।
ये सीक्स टू प्रमोट द फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्योंकि लॉ का काम जस्टिस न्याय दिलाना है, इट सीक्स टू द फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी और प्रिवेंट द लॉ फ्रॉम अब्यूज ऑफ द प्रोसेस. द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज व्हेन अ लिटिगेंट अटेम्प्ट्स टू फाइल अ सबसिक्वेंट लॉ सूट. सबसिक्वेंट यानी एक और बाद वाला लॉ सूट, पहले कर चुके हैं उसके मामले में आप वापस से लॉ सूट नहीं ला सकते. ऑन द सेम मैटर, इंपॉर्टेंट है, ऑन द सेम मैटर आफ्टर हैविंग रिसीव्ड अ जजमेंट, जिसके लिए मैं ऑलरेडी जजमेंट रिसीव कर चुका हूं, उसके लिए मैं सेम चीज के लिए वापस कोर्ट नहीं जा सकता. दैट इज बार, ये रेस जुडिकेटा बोलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीवियस केस में इन्वॉल्व हो चुका है. बिटवीन सेम पार्टीज, सेम सूट ऑलरेडी ब्रॉट इन, डिसाइडेड बाय द प्रीवियस कोर्ट, कैन नॉट बी ब्रॉट इन बाय द न्यू इन द न्यू कोर्ट बाय द सेम पार्टीज. ये प्रदान करता है कि अगर किसी पक्ष द्वारा उसके और प्रतिवादी के बीच कार्यवाही में कोई दलील दी गई है, तो उसे उसी मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कार्रवाई से उसी पक्ष के खिलाफ दलील लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ये सार्वजनिक नीतियों के विरोध में है जिस पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत, आपराधिक सिद्धांत लागू होता है. इसका अर्थ होगा कि प्रतिवादी को उत्पीड़न और कठिनाई ना हो. अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज को और इसके कंक्लूजन पे आऊं, तो ये जो डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकेटा का, ये हम समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसी चीज है जो रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी पार्टी को, ईदर पार्टी को, टू मूव द क्लॉक बैक, यानी कि आप वापस समय में पहले नहीं जा सकते. क्यों? कब? जब पेंडेंसी थी, जब सूट चल रहा था. द एक्सटेंट ऑफ रेस जुडिकेटा इज वाइड, इसका बहुत ही बड़ा एक वाइड स्कोप है और इसमें बहुत ही सारी चीजें हैं जो इंक्लूड की जा सकती है, इवन इंक्लूड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब ये जो डॉक्ट्रिन है कैन बी अप्लाइड आउटसाइड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया क्रिमिनल केसेस में, एंड कवर्स अ लॉट ऑफ एरियाज विच आर रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड पीपल. द स्कोप एंड द एक्सटेंट हैव बीन वाइडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि जब हम लॉ के बारे में बात करते हैं तो लॉ चेंज होता रहता है, उसको समय के साथ चेंज होना पड़ता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन से, जजमेंट से, जिसमें ये बताया. अब रेस जुडिकेटा में और भी बहुत सारी बहुत जुड़ी हुई बातें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स चीजें हैं. जैसे इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का भी एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है. कुछ बहुत ही कम इसके एक्सेप्शन है. रेस जुडिकेटा और एस्टॉपल के बीच में भी क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो आप समझिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में एक साथ नहीं बता सकते, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा. बट यहाँ पे आपको जो जरूरी था वो ये समझना था कि कॉन्सेप्ट क्या है रेस जुडिकेटा का. अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई, एस्टॉपल वगैरह और इन सब चीजों के बीच में डिफरेंस ऑफ थ्रेट, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या होता है, तो आप मुझे इस कॉमेंट सेक्शन में नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए कि आपको इस पर भी वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा बनाने की. ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपका दिन मंगलमय हो. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एज यूजुअल प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. दिस विल हेल्प द चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब.